नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अब इन 24 न्यूज़। दोस्तों, गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए करनाल के सेक्टर 6 के अंदर एक पार्क के अंदर इस समय हम खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं पार्षद मेघा भंडारी आज पौधारोपण करने वाली हैं। और आपसे अपील है इस वीडियो को शेयर करें, लगातार जो है पौधारोपण की जो मुहिम है वो हिंदुस्तान के अंदर छेड़ी हुई है, क्योंकि लगातार जो है गर्मी बढ़ रही है और उस गर्मी से निजात पाने के लिए आपको पौधारोपण ज़रूर करना चाहिए, जिसके लिए आप देख सकते हैं कुछ पौधे भी यहां पर लेकर आए हुए हैं। और लोगों को सिर्फ ये एक यही बताने के लिए कि आप हर जगह पर पौधे जरूर लगाएं, आप अपने घर में एक पौधा जरूर लगाएं, ताकि जब वो बड़ा हो तो वो ग्लोबल वार्मिंग के अंदर जो है हमारी सहायता कर सके। और यहां पर बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे, पौधारोपण करना चाहिए, जरूरी है, गर्मी बहुत बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? आजकल का जो मौसम है ये इको फ्रेंडली मौसम है, यहाँ पे इस टाइम पर हम जो पेड़ लगाएंगे वो जल्दी बड़े होंगे, और अब हम जल्दी बड़े होंगे और पेड़ लगाने से एक मकसद है, अगर हम पेड़ लगा लेंगे उस पेड़ का हमें ध्यान भी रखना पड़ेगा। पेड़ को हमें अपने बच्चों की तरह समझना चाहिए, छोटा सा पेड़ लगा पौधा लगा के उसको जब तक वो बड़ा ना हो जाए, फलदार वृक्ष ना हो जाए, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। और हमारी जो हरियाणा सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। उन्होंने पीछे कुछ समय पहले एक मुहिम चलाई थी कि जितने भी पुराने पेड़ हैं, 25 साल या 30 साल से पुराने ज़्यादा पेड़ हैं, उन पेड़ों की पेंशन बांधी गई है। आज तक कभी नहीं हुआ, मगर उन्होंने पेड़ों की पेंशन लगाई है ताकि उन पेड़ों का ध्यान रखा जाए, उनकी देखभाल रखी जाए। दूसरा उनका कहना है कि मेरा पानी मेरी विरासत, उन्होंने ये सोचा हुआ है कि जैसे हम विरासत में अपने बच्चों को धन दौलत देते हैं, मगर हमें एक और चीज़ भी करनी है, हमें प्रकृति देना है, पानी देना है, पेड़ पौधे देने हैं अपने आने वाली पीढ़ी को। क्योंकि आपको पता कि कोरोना के टाइम पर सांस की ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा दिक्कत आई थी, लोगों को सिलेंडर भर भर के लेकर जाने पड़ते थे इमरजेंसी में। और अगर हम ऑक्सीजन घर घर खुद ही प्रोवाइड करेंगे, नीम के पेड़ लगाएंगे, जामुन के पेड़ लगाएंगे, ऐसे ऐसे पेड़ लगाएंगे जो माहौल जो है इको फ्रेंडली बन जाए, अच्छा बन जाए, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी दवाइयों की। और जितने भी लोग होंगे वो बीमारी ग्रस्त होंगे, उनको कोई बीमारियाँ नहीं होंगी। तो मेरी सबसे अपील है कि इसी मौसम में हमें पेड़ लगाने भी चाहिए, प्लस उन पेड़ों का ध्यान भी रखना चाहिए। शौक शौक में लोग पेड़ लगा तो लेते हैं, देखिए कि हमने पेड़ आज हमने पौधारोपण कराया, आज हमने पेड़ लगाए हैं, मगर आगे भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि सावन के महीने में पेड़ लगाएं, मगर उसका हम ध्यान भी रखें। अब छोटे बच्चे जो हैं वो भी बहुत शौक से आए हैं और वो अपना और छोटे बच्चे डेडिकेशन से ध्यान भी रखेंगे पेड़ का, कि सच में ये पेड़ हमारे द्वारा लगाया गया था और आज कितना बड़ा हो गया। जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे वैसे वैसे पेड़ की उम्र भी बढ़ती जाएगी और वो एक बड़ा फलदार पेड़ बन जाएगा, जो उनको देखकर भी आनंद में होगा कि हाँ देखो हमारे लगाया पेड़ कितना बड़ा हो गया। तो और यहाँ पर आपसे अपील है इस वीडियो को शेयर करें और लगातार आप भी जो है पौधे ज़रूर लगाएं अपने घर के अंदर, चाहे घर के अंदर आप किसी भी तरह का पौधा लगाएं लेकिन ज़रूर लगाएं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे पौधे जो है अब लगातार यहाँ पर लगाए जाएंगे। और सिर्फ यही आपसे अपील है, यही सिर्फ बताने के लिए, क्योंकि लोग जो है कई बार आपको बता दें जो पेड़ हैं वो लगातार बता दें कि वो कट भी रहे हैं, कई लोग जो है चोरी छुपे पेड़ों को काटते भी हैं। आपको बता दें कई जगह पर जंगलों के अंदर भी इस तरीके से चोरी छुपे पेड़ों को काटा जाता है, लेकिन बताते हैं कि अगर इस तरीके से पेड़ कम होने लग गए तो फिर इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ेगी जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। लगातार जो ग्लेशियर्स हैं वो भी पिघल रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। और यहां पर लगातार जो है आप देख सकते हैं कि पौधे लगाए जा रहे हैं, अन्य तरीके के पौधे लगाए जा रहे हैं। कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ कहना चाहते हैं अंकल, क्या कुछ कहना चाहेंगे, पौधे लगाने क्यों जरूरी हैं, लोगों को थोड़ा जागरूक किस तरीके से किया जा सकता है? मैं आज के शुभ अवसर पर केवल मात्र इतना ही कहना आवश्यक समझता हूँ कि जो राष्ट्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार इस देश की भलाई में प्रयत्नशील हैं, दिन रात लगे हुए हैं, जो भी कार्य वो प्रातःकाल से सायंकाल तक करते हैं, उसमें एक सर्वप्रथम पौधारोपण आज के सीजन में, आज के इस समय में जितना कर दिया जाए उसके फल अधिक मिलते हैं, क्योंकि बरसात में पौधे लगाए हुए अधिकतर बढ़ते हैं, जड़ पकड़ते हैं। और इस अभियान को लेने का तात्पर्य सरकार, जिसको श्री मनोहर लाल जी बड़े यशस्वी मुख्यमंत्री इस प्रदेश को चला रहे हैं, उनकी एक ही इच्छा है, जिस प्रकार से समाज बरसात के दिनों में पौधा जड़ पकड़ता है, उसी तरह समाज इस देश की जड़ को मजबूत करने में लगा हुआ है, वह और मजबूत हो इसके लिए प्रयत्नशील है। और जिस जो कार्यक्रम आज आप पौधारोपण का इस क्षेत्र में देख रहे हो, ये जो सज्जन पुरुष हमारे छोटे से बुलावे पर उपस्थित हुए हैं, ये सब समाज समर्पित व्यक्तित्व, जीवन व्यतीत
करने वाले व्यक्ति हैं, इनका सहयोग हमें समय समय पर मिलता रहता है। इस समाज को जोड़ने के कार्य में सब लगे हुए हैं। धन्यवाद। तो यहाँ पर आपको बता दें कि फिलहाल जो है ये पौधे इस पूरे पार्क के अंदर लगाए जाएंगे, और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे, पौधे लगाने क्यों ज़रूरी हैं, लोग जो हैं। पहले तो सबको मेरा नमस्कार। जैसे हमारे एमसी साहब हमें मेघा भंडारी जी है, संकल्प भंडारी है, अशोक भंडारी अंकल जी हैं, और इनके सुपरवाइज़र हैं सुजैन। जब भी हम फ़ोन करते हैं तभी आते हैं, बड़ा कोऑपरेट करते हैं। हमारे यहाँ दो तीन दिक्कत थी, एक तो हमारा पानी, बरसाती पानी जो था ना वो रुकता था, पीछे बारिश हुई सेक्टर 6 में पूरा पानी था, लेकिन हमारी गली में कोई पानी नहीं था। जी, बिल्कुल क्लीन थी, और बाकी जगह पानी तो ये जैसे पार्क देख रहे हो आप, पहले ये बिल्कुल ऐसे ही पड़ा था, बहुत ज़्यादा गंद था यहाँ पे। लेकिन आप जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे झूले लगवा दिए हैं, सारा मतलब अच्छा पेंट पुंट करवा दिए, बहुत अच्छा करवा दिया इन्होंने, जो कि इनका मतलब तहे दिल से धन्यवाद है। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई किसी की बात की शिकायत नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि और पेड़ पौधे जी लगाने भी बहुत जरूरी है और लगाने भी चाहिए। नमस्कार जी। तो आपसे अपील है इस वीडियो को शेयर करें, और बता दें कि लड्डू बांटकर जो है यहाँ पर फिलहाल ज़रूर उनकी खुशी जो है वो मना रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर धन्यवाद धन्यवाद। तो यहाँ पर सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आप पौधे ज़रूर लगाएं, क्योंकि लगातार जो है पौधे लगाने से आपकी जो हमारी जो नेचर है वो ज़रूर बची रहेगी, और आप भी चैन की सांस जो है ले पाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये पेड़ देते हैं, नाइट्रोजन जो है ये अब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन ये देते हैं। तो आपसे अपील है इस वीडियो को ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुँचे आप तक।